आइए और जानकारी लेते हैं कि जो काली पट्टी इन्होंने बांध रखी है, काला बैज बांध रखा है, और ये काला बैज बांधने का मतलब है कि अपना रोष प्रकट करना, काला यानी कि अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने रखना और अपनी समस्या को समाधान कराने के लिए ये पंत हॉस्पिटल के अंदर सभी जो कार्यरत कर्मचारी हैं, बड़ी एक खुशी की बात मरीजों के लिए ये है कि जो ये अपनी मांग तो रख रहे हैं लेकिन किसी काम में बाधा नहीं आने दे रहे, मरीजों का भरपूर तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लैब के अंदर भी काम चल रहा। अभी मैं नीचे कुछ कर्मचारियों से मैंने बात की तो वहाँ भी बड़े पैमाने पर काम चल रहा था, लेकिन आज जो ये लैब में काम कर रहे कर्मचारियों ने सभी ने ये, मैं कैमरा मैन से नोट करूँगा, ये बैच दिखाएं और ये बैच का क्या मतलब है, इन्होंने बैच क्यों बांधा है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम जसवंत चावला है, मैं बाइक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। मतलब ये आप जो बैज बांधने हैं तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आपने देखिए वैसे हमारा जो पीसीए है 2016 से भी मिलना चाहिए था सेवंथ पे कमीशन में, पर 2017 से लागू किया गया सेंट्रल के सभी हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। इतनी दिनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए 2017 से, जिससे सबको मिला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के विरोध में आज हमने काले बैज पहने और इसके आगे भी हम आगे अपने प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे अगर ये नहीं सुनवाई होगी। तो ये बैच आप कब तक पहनेंगे? आज के दिन तो हम ये बैच पहन रहे हैं, उसके बाद 27 तारीख को एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। तो प्रोटेस्ट मार्च के अंदर के आपका ये पंत हॉस्पिटल ही रहेगा या नहीं, बाकी हॉस्पिटल और भी बाकी कितने हॉस्पिटल आपका सहयोग कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के काफी हॉस्पिटल हैं जो हमारा सहयोग करे, क्योंकि सभी की ये मांग है, सिर्फ हमारी नहीं, दिल्ली सरकार की किसी भी हॉस्पिटल में नहीं लागू हुआ है। क्या सेंट्रल हॉस्पिटल आपका सहयोग करेंगे या सेंट्रल हॉस्पिटल क्या भूमिका रहेगी आपके साथ में? वो भी करेंगे हमारा सहयोग, लेकिन उन्हें तो ये मिल चुका साथ, फिर भी हमारे साथी तो है ना, वो मतलब साथी है लेकिन आपकी जो समस्या उसका वो आपका सहयोग करेंगे। NPHA जो है वो हमारा सहयोग कर रहा है, नेशनल लेवल पे है वो, और वो हमारे सहयोग कर रहा है इसमें। सर आपका नाम? भूपेश कुमार। भूपेश कुमार शर्मा जी, शर्मा जी आप काम कर रहे हैं, आप अपना रोज प्रकट कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपके, क्या मांग किन मांगों को लेकर आप? सर एक्चुअली मैं कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हूँ, तो हमारी मांग ये है कि हम जो काम कर रहे हैं बराबर काम कर रहे हैं, तो समान वेतन के लिए, इसलिए हमारा ये, क्योंकि हमें भी समान वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन जो सरकार है कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही, तो क्या कारण है इसका? अब इसका कारण तो वो उनको भी पता होगा ना, सरकार क्यों नहीं मान रही है, राजनीति है कि मतलब राजनीति में फंसा दिया गया है आप लोगों को एक दूसरे के लिए। क्या नाम है आपका? सर राजेश कुमार। सर राजेश कुमार जी क्या मांग है आपके? सर ये पीसीए का चला, सर पीसीए जो अभी लागू हुआ है जो सेंटर में मिल गए हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो आप लोग इस तरीके से रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और मरीजों को किसी तरीके कोई बाधा हो रही है कि? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, नहीं अपना काम कर रहे हैं। और आइए और जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में और भी हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी क्या मांग है आपकी? सर जी हम लोगों की मांग है, जो काफ़ी विसंगतियाँ चल रही हैं वेतन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार निर्देश दिए जाते हैं, हाई कोर्ट बार बार निर्देश देता है, हाई कोर्ट के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी बार बार निर्देश देता है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है। वो इस तरह देती है जैसे बिल्कुल ऑर्डर जाते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस पर ध्यान ही नहीं देती है। और इतना सब कुछ मिल गया है यहाँ, और हॉस्पिटल पर जब हम लोग स्ट्राइक करने पर आते हैं तब उन्हें हमारी सर्विस याद आती है कि जरूरी सर्विस है हमारी, तब पेशेंट की ज़िंदगी समझ में आती है। लेकिन यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके घर हैं बाहर हैं अपने हैं, हम लोग खासकर मैं अपने बताऊँ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, 3-3 महीने के बाद सैलरी नहीं मिलती तो उनका ध्यान नहीं जाता। क्या हम लोगों को कोई हक नहीं है? सारे हक दूसरे लोग दुनिया लोगों के लिए क्या है? यहाँ जो काम कर रहे हैं ये भी इंसान है, सबके इंसान है, किसी का कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है, किसी का कोई घर वाला बीमार पड़ रहा है, उसको भी दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। और जब कहा जाता है कि आप विरोध प्रदर्शन मत कीजिए, हॉस्पिटल मत बंद करिए, हम हॉस्पिटल में इतना काम कर रहे हैं, आज भी यहाँ देखिए किसी ने हॉस्पिटल बंद नहीं किया है, लेकिन इतने निर्देश अनुसार हाईकोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है, इतने निर्देश देने के बावजूद ये गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो आज इस तरह से ये हुआ है। आगे जैसा कि जसवंत मैडम ने बताया, यहाँ पे हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि हम आगे भी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और अगर इससे हवात नहीं बनी तो हम इससे आगे हड़ताल पर भी जा सकते हैं, नोटिस पे है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमें सुननी पड़ेगी। मतलब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार बार निर्देश दे रहा, हाई कोर्ट बार बार निर्देश दे रहा, उसके बावजूद भी ये नहीं सुना जा रहा है। फिर ये तो आपकी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि जो 4 जजेस थे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बात रख रहा है। मैडम आपका नाम क्या है? अलका मदान जी, आप ये 27 तारीख को रोज प्रकट कर रहे हैं, तो आप महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी वो पैदल मार्च के अंदर? तो हम भी उनके साथ ही होंगे, महिलाएं भी साथ ही रहेंगी। तो मतलब क्या आपकी मांग? सारे इकट्ठे ही हैं हम, महिला पुरुष सब इकट्ठे हैं। हमारी यही है, अभी तो मेन जो है पीसीए, जो हमें पेशेंट केयर अलाउंस नहीं मिल रहा, सेंटर में मिल चुका है हमें नहीं मिल रहा। अगर 27 से पहले अगर आपकी बात है, अगर ये सरकार खुल लेती है तो फिर क्या आपकी भूमिका रहेगी? फिर वो तो हमारे जो नेता कहेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे, जैसे वो हमें निर्देश देंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे।
आपका नाम? मैं हरि मोहन शर्मा। ये जो ब्लैक पेजेस, हाँ NPH है ये, मैं हरि मोहन शर्मा। हाँ, ये जो आज ब्लैक पेजेस का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये NPHA हमारा जॉइंट प्लेटफॉर्म है और हम पैरामेडिकल टेक्निकल यूनियन से जुड़े हुए हैं, उसके तहत यह प्रोग्राम किया जा रहा है NPHA के निर्देश के अनुसार। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा PCA सेवन्थ पे कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिल जाना चाहिए, हम अभी तक शांति मनाए हुए थे, हम सोच रहे थे कि हमें अब तक मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें सरकार ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें सेवन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट, जैसा कि राष्ट्रपति का साइन उस पर होते हैं, तो उससे उनसे ऊपर कोई भी नहीं होता है, तो उनके ऑथराइज साइन को भी सरकार नहीं मान रही है, तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। हम चाहते हैं कि हमें PCA जल्दी से जल्दी इश्यू किया जाए, और इसके साथ हमारा लैब के जो कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे साथी हैं, उनको भी समान वेतन और समान PCA हमें जल्दी से जल्दी इश्यू किया समान जाए। कार्य के समान वेतन मिलना चाहिए। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं। यस हाँ जी बिल्कुल। और जितनी भी हमारी टेक्निकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की ग्रुप C&D की जो पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से वैकेंट पोस्टेज हैं, लेकिन उनको अभी तक भरा नहीं जा रहा है, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो आप भराने की क्यों मांग कर रहे हैं? क्या काम ज़्यादा है, लोड ज़्यादा हो? लोड इतना बढ़ता जा रहा है, सरकार का दबाव हमारे पास इस कदर बढ़ता जा रहा है कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ GB पंत में कलेक्शन सेंटर 7:30 से खोल देते हैं रजिस्ट्रेशन, और 1 बजे तक कंटिन्यू करते रहते हैं। उसके बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको पूरी तसल्ली दे करके उनका ब्लड निकाल के उनको भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट यहाँ से शांति से ब्लड निकलवा के हम उसके टेस्ट की रिपोर्ट दे पाएँ, लेकिन हम अपना अधिकार भी चाहते हैं कि हमको कम से कम PCA और हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार माने। हम सरकार के साथ हैं, हम उनका पूरी सपोर्ट में हम उनके साथ काम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, लेकिन हमारे हक का भी वो ध्यान दें।